नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे विश्व में हमारा भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसी के राष्ट्र निर्माण में हर कोई सहभागी बन सकता है, चुनाव देकर मतदान करके अपने अपने प्रतिनिधि को चुनाव के दरमियान उनको मतदान देकर अपने अपने मत देकर उन्हें चुनकर इस प्रकार से एक विश्व स्तर का राष्ट्र निर्माण का निर्माण होगा। उसमें हम सब 18 साल के वय से लेकर उससे ऊपर के व्यक्ति, हर व्यक्ति जो देश के नागरिक है, मतदान कर सकते हैं। नर्मदा जिले से एक अनोखी बात सामने आई है। मुखबधिर, जिन्हें ना सुनाई देता है ना वो बोल पाते हैं, चक्षु प्रज्ञ चक्षु जो दृष्टिहीन है, जिन्हें नहीं दिखाई देता है, फिर भी वो लोग राष्ट्र निर्माण के लिए सशक्त है। हमारे देश के सरकार ने उन्हें भी ये मत देने का पूरा पूरा संपूर्ण अधिकार दिया है और इसी के चलते, इसी के संदर्भ में नर्मदा जिले से आज एक अनोखी बात सामने आई है। जो ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, लेकिन वो दिमाग से संपूर्ण तरीके से सशक्त है और उनकी इसी मत देने के फ़र्ज़ को, जिम्मेदारी को बखूबी उन्होंने निभाया भी है। वो जिम्मेदारी का एहसास उन्हें बखूबी है जिस व्यक्ति ने 5-6 साल की उम्र में ही अपनी दृष्टि गुमा दी है, खो दी है, वो भी सशक्त है हमारे इस विश्व स्तर के राष्ट्र निर्माण को मत देकर सहयोगी बनना। हर वो देश का नागरिक, मतदार अपने मत दे सकता है जो सशक्त है और राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसी राष्ट्र निर्माण के हिस्सा बनने के लिए, राष्ट्र को एक सही मायने में विश्व स्तर का राष्ट्र बनाने के लिए नर्मदा जिले के राजपिपला से प्रज्ञा चक्षु लोग, मुखबधिर लोग और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, नर्मदा जिले राजपिपला से अंकुर ऋषि, ब्यूरो चीफ के साथ संवाददाता सीमा भट्टाचार्य। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। नर्मदा जिल्लाना वहीवटी तंत्रना मार्गदर्शन हेठळ आगामी नगरपालिका, तालुका पंचायत अने जिल्ला पंचायत ते सामान्य चूंटणी 2021 पूर्व तैयारीना भागरूपे मतदारों में जागृति आए ये हेतुसर आज रोज निवाल सेंट जेवियर्स हाईस्कूल निवालदा तालुको डेडियापाड़ा ना विद्यार्थियों द्वारा निवालदा बस स्टेन्ड पासे अने लीमड़ा चौकना विस्तार में शेरी नाटकना माध्यम थी, जेनो विषय हतो लोभ लालच थी दूर रही अवश्य मतदान करिए, एवा विषय पर नाटकनु आयोजन करेल हतुं। विद्यार्थियों द्वारा नाटक प्रस्तुत थयुं त्यारे आजूबाजूना विस्तारना जनमेदनी भेगी थई मतदान अंगेनी समजूती एमणे मेळवेल छे। आगामी समग्र जिल्लामां मतदारों में जागृति आवे अने पोते लोभ लालचथी दूर रह्या वगर पोतानुं पवित्र फरज समझी मतदान करी शके एवुं जिल्लामां एनएसएसना विद्यार्थी द्वारा आयोजन करवामां आवेलुं छे, जे क्रमशः जेनुं नाटकना माध्यमथी प्रचार प्रसार करवामां आवशे। अने आजनो आ जे कार्यक्रम छे एने खूब ज बहोळी प्रसिद्धि मळेली छे अने आम जनताए आनी विशेष नोंध लीधेली छे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी में असिस्टंट प्रोफेसर तरीके कामगीरी बजाऊँ छूँ। हूँ दर वक्त जयरे चूंटनी हो तेरे अचूक मतदान करवा जाऊँ छूँ। हूँ दृष्टिहीन छू, जयरे नानपण में मैं मारी दृष्टि गुमा ए पछी पण जयरे जयरे राष्ट्र निर्माण माटे चूंटनी के भी कोई बाबत हो त्यारे हूँ अचूक एमां भाग लउं छूँ। तो मारी दरेक लोकोने नम्र अपील छे के तमारे पण मतदान करवा जवुं ज जोईए, कारण के ए आपणी फरजमां आवे छे अने ए रीते आपणे क्यांक ने क्यांक राष्ट्र निर्माणमां आपणो फाळो आपी शकीए छीए।
એટલે તમામ લોકોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે મતદાન કરવા તો અચૂક જવું જ. હું ધર્માનંદ બ્રહ્મસારી, ગ્રામ બાંદરિયા, તાલુકા નાંદોદ, જિલ્લા નર્મદા, યા છેલ્લા 15 વર્ષથી આ રહું છું. હું એક પગથી દિવ્યાંગ માણસ છું ને દર સુનાવના ટાઈમે, યાની દર ચૂંટણીમાં હું મત આપવા જાઉં છું. ને મારા બધા ભાઈઓને, બધા નાગરિક બંધુઓને મારી ઘણી ઘણી વિનંતી છે કે તમે પણ આ લોકશાહીને મજબૂત કરવા માટે આપણું મત આપવાનું બહુ જરૂરી છે.